दोस्तों आप देख रहे हैं ऑटो क्रेज ब्लॉगर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस गोल्ड पेट्रोल हाईटेक के बारे में। बात कीजिए अगर इसका इंजन का तो 694 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है। नंबर ऑफ सिलेंडर, इसमें दो सिलेंडर का गाड़ी है ये। पावर आपको 30 HP का मिल जाता है। टॉर्क की बात की जाए तो इसमें आपको 55 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टायर आपको इसमें 12 इंची का रेडियल टायर मिल जाएगा। अगर बात की जाए अगर दोस्तों इसका इंजन वर्किंग का, तो आपको इसमें गैसोलिन मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर आपको ये गाड़ी वर्क करती है। अगर डाले के साइज़ की बात की जाए तो डाला आपको 7.2 फीट का लंबा और 4.9 फीट का आपको इसमें चौड़ा डाला मिलता है, और लंबाई इसकी डाले की 3.5 फीट की आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों। अगर पीछे की तरफ बात की जाए तो आपको इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलता है, जो कि बैक करने में आपको आसानी होता है। GVW की बात की जाए तो 1670 kg का इसका GVW है। कर वेट आपको 920 kg। पेलोड की बात की जाए तो 750 kg का इसका पेलोड कंपनी देती है, लेकिन अगर आप पत्ती बढ़ाते हैं तो इसमें आप लोड कर सकते हैं दोस्तों। 1 से 1.5 टन तक की कैपेसिटी इस गाड़ी की होती है। बात की जाए अगर इसका इंटीरियर का, तो इसमें आपको ड्राइवर प्लस एक कंडक्टर का आपको पासिंग मिलता है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो मैनुअल स्टीयरिंग इसमें आपको मिलता है। अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा। इको स्विच मोड मिलता है। गियर शिफ्ट एडवाइजर फॉर हाई माइलेज के लिए आपको मिलता है। अगर कहीं आप हाईवे पर आ रहे हैं गाड़ी को अनलोड कर करके अगर इको स्विच मोड ऑन करते हैं तो आपका माइलेज इसमें बढ़ के मिलेगा दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी फीचर्स है। इसमें आपको USB चार्जर मिल जाता है। डॉक्यूमेंट होल्डर भी इसमें मिल जाएगा, जिससे कि आप इसमें अपना सामान और बोतल को रख सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो गाड़ी चलाते समय। और बात की जाए दोस्तों इसका कुछ फीचर्स का, तो इसमें आपको फ्रंट में 2 पत्ती और पीछे में आपको 3 पत्ती मिलता है। लीफ स्प्रिंग आपको इसमें पत्ती दी जाती है। और सर्विसिंग की बात की जाए तो इसमें सर्विसिंग आपको 10,000 किलोमीटर या 8 महीने पर मिलता है। अगर जो भी पहले आएगा आपको उस पर ये क्लेम कर सकते हैं। वारंटी की बात की जाए तो वारंटी भी इसी तरह है। 72,000 किलोमीटर या 2 साल का आपको इसमें वारंटी दिया जाता है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, टंकी की क्षमता की बात की जाए तो 30 लीटर का आपको इसमें पेट्रोल का टंकी आता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 185 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। और चेचिस की बात की जाए तो हैवी ड्यूटी चेचिस आपको इसमें मिलता है। और लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आगे 2 और पीछे की तरफ 3 पत्ती के साथ आपको मिल जाता है, जिससे कि अगर आप इसमें कुछ पत्ती बढ़ाते हैं तो इसमें आपको गाड़ी चलाने में लोडिंग की क्षमता बढ़ सकती है। और इसमें अगर केबिन की बात की जाए तो केबिन में आपको एक स्लाइडिंग वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाता है, जिससे कि गाड़ी बारिश के मौसम में आपको एग्जॉस्ट नहीं होगा, जिससे दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल ऑटो क्रेज ब्लॉगर को। थैंक यू।